पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में जिस तरह से जदयू और भाजपा आमने सामने लड़ी थी, तो विपक्षी दलों ने अब ये अटकलें लगाना शुरू कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा और जदयू आमने सामने ही लड़ेंगे। इस पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। सर, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है विपक्ष द्वारा कि जदयू और भाजपा आपस में ही लड़ेंगी लोकसभा चुनाव में। पहले जो आपने पृष्ठभूमि कही थी वो पटना यूनिवर्सिटी चुनाव की कही थी। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव कोई दलगत राजनीति से ऊपर होता है। छात्र केवल राजनीतिक विचारधारा के मुताबिक अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं, कोई दलगत राजनीति नहीं होती है। इसे गठबंधन से और NDA से कोई लेना देना नहीं है। इससे केवल एक ही बात स्पष्ट हुई कि छात्र में जदयू के नेता नीति और नियत पर भरोसा है। माननीय नीतीश कुमार जी बहुतों के रोल मॉडल हैं, जो ये स्पष्ट परिलक्षित होकर आया जब पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव का परिणाम आया। और ऐसे में इससे कोई भी NDA के गठबंधन का कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक भाजपा और जदयू गठबंधन का सवाल है, मैं स्पष्ट कर दूं कि भाजपा हमारा पुराना साथी है, हम पहले भी गठबंधन में थे और हमें गठबंधन धर्म निभाना आता है। नहीं, राजद की तरफ से ऐसे बयान निकल के आ रही है, राबड़ी देवी ने भी कितनी बार कहा है कि ये पलटू राम है, नीतीश कुमार जी को कहा है आपके नेता को कि ये पलटू राम है, देखिएगा चुनाव से पहले फिर पलट जाएंगे। देखिए, पहले तो राजद के द्वारा अगर किसी संज्ञा भी दी जाती है तो एक प्रतिष्ठित माननीय मुख्यमंत्री के लिए ये पलटू राम ऐसे संज्ञा देना, ये अपने आप में एक नकारात्मक संज्ञा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और जहाँ तक पलटने का सवाल है पलटू राम का, इसके अगर आप देखेंगे तो अगर हमने जो महागठबंधन को जनादेश मिला, हमने जनादेश को नहीं तोड़ा। जनादेश था सुशासन का, जनादेश था सात निश्चय का, जनादेश था न्यास के साथ विकास का, जनादेश था महिला सशक्तिकरण का, जनादेश था पूरी तरह से सर्वांगीण बिहार राज्य को विकास करने का, जनादेश भ्रष्टाचार का नहीं था। और जनादेश चाहते भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम अलग हुए, जनादेश वही रहा, भ्रष्टाचार का जनादेश नहीं था। और माननीय नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार के मामले में सीधी न्याय कि जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो हम महागठबंधन से अलग हुए एक फलसफा के तहत, एक नीति के तहत, एक सिद्धांत के तहत कि हमने भ्रष्टाचार का साथ देने का उचित नहीं समझा। इसमें कोई पलटू राम का सवाल तो नहीं है। क्या इसमें राजद की आपके साथ सरकार में आना चाहती है क्या, इस बात की जल्दबाजी है, क्या चाहती है राजद, क्यों इस तरह से बयान दे रही है? देखिए, राजद के पास मुद्दों का अकाल है, सकारात्मक मुद्दों का अकाल है। सरकार इतने अच्छे से काम कर रही है कि मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो ये मुद्दा निकालते हैं बंगला का, ये मुद्दा निकालते हैं ऐसे ऐसे संज्ञा देने का, ये मुद्दा निकालते हैं नकारात्मक कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के प्रति ऐसे ऐसे संज्ञा का अनुरोध दिया है कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र में एक कोई सभ्य नेता सामाजिक और राजनीतिक जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। तो मैं तो वो शब्द को दोहराना भी नहीं चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसके प्रति संज्ञा, माननीय मुख्यमंत्री के लिए ऐसे संज्ञा देना, तो ये लोग नकारात्मक सोच के राजनीति करने वाले हैं, ये इनकी राजनीति चलने वाली नहीं है। सरकार चली गई इनसे, हताशा में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, अपने इनके पार्टी के अंदर अंतरकला है। जो वरीय नेता है वो ऊपर से थोपे हुए राजकुमार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो अपना चुके परस्पर विरोधी वहाँ पे आंतरिक कला है। तो ऐसे में अपना वो दोषारोपण करने के लिए, अपना ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे नकारात्मक मुद्दों का उपज करते हैं। जदयू क्या लगता है, राजद में टूट हो जाएगी क्या, तेजस्वी सबको स्वीकार नहीं है? देखिए, राजद में टूट होना तो तय है, क्योंकि राजद के जो नेता हैं वो किसी नीति और सिद्धांत से नहीं बंधे हुए हैं, वो एक स्वार्थ से सत्ता के लिए बने हुए हैं। और जिस कदर राजकुमार की ताजपोशी हुई, राजद एक समाजवादी पृष्ठभूमि का एक पार्टी मानी जाती है, तो जो समाजवादी पृष्ठभूमि के जो वरीय नेता हैं निश्चित ही अंदर से एक सफोकेशन सा अनुभव कर रहे होंगे और उनका कभी न कभी अंतरात्मा ललकारेगा और वो समाजवाद की राह पर चलेंगे और इस तरह के थोपे हुए राजकुमार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा जब जहाँ परिवारवाद हावी होता है, परिवार में एक व्यक्ति नहीं होता है, परिवार के एक बड़े से व्यक्ति होते हैं, परिवार का हर व्यक्ति राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहता है और हर व्यक्ति अपनी ताजपोशी खाता है, तो परिवार के अंदर भी अंतरकला और अंतर विरोध होता है। तो पारिवारिक अंतरकला अंतर विरोध, अपने पार्टी के अंदर अंतरकला अंतर विरोध और स्वार्थ की राजनीति, ऐसे में कितने दिन टिक सकती है? ये पूरी तरह देखिए, राजद में जो एकता दिखाई देती है वो नारंगी एकता कहते हैं। नारंगी का छिलका जहाँ हटा वहाँ एक एक फाँक अलग हो जाएगा, छिलका अभी जेल में है, जहाँ छिलका हटा कि फाँक फाँक अलग हो जाएगा, ये तो असंभाव्य ही होना है। चलिए, राजद बहुत जल्दी टूट जाएगी और टूट उसके अंदर तय है, ऐसा कहना है जदयू का। इस पर राजद की तरफ से कोई सफाई आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास सकारात्मक मुद्दों की कमी हो गई है, विकास, बेरोजगारी और भी अन्य कई मुद्दे हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे वो उठाते नहीं है। अब कब वो मुद्दे उठाएंगे, कब हम आप तक वो लेके आएंगे, सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहे भारत लाइव TV के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।